कुछ हाईलाइट का यूज करते हैं, देख रहे हैं। चलिए ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्टिविटी 2.3 और 2.3। एक्टिविटी 2.3 हमने इससे पहले डिस्कस किया था ना। नाउ वी हैव टू डिस्कस टुडे स्वीट्स एंड टू डीके, सॉरी स्वीट्स एंड टू डीके। ओके, आज हम लोगों को स्वीट्स और टूथ, यस सर, यस बेटा, स्वीट्स एंड टूथ डीके ये डिस्कस करना है, ठीक है? डीके मीन्स होता है छह बेटा। किस तरह से मिठाइयाँ या मीठा पदार्थ को खाने पे हमारे दांतों में किस तरह से सड़न या छह शुरू हो जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़कर जानेंगे, ठीक है बेटा? नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बेटा हमारे मुंह में यानी हमारे शरीर में आप जानते हो प्रायः जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अब बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। सेम एज हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं बट दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, ठीक है? लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है? बात आती है हाउएवर क्लीन आवर टीथ many harmful bacteria also begin to live and अगर हम अपने दांतों को साफ अपने मुंह और दांतों को साफ नहीं रखते हैं, ठीक है, तो करें बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया भी हमारे मुख में उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और रहने लगते हैं, ठीक है? यस सर, डेवलप हो जाते हैं। हम अगर अपने दांत और मुंह को साफ नहीं रखते हैं तो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया, ठीक है, हमारे माउथ में डेवलप हो जाते हैं और जो उसमें ग्रो करते रहते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो फूड के जो सुगर्स होते हैं यानी सुगर प्रेजेंट होता है हमारे भोजन में, उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे फूड में शुगर्स होते हैं बेटा, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? अम्लों में परिवर्तन के जो शुगर्स होते हैं, yes, sir. उसको अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं ये बैक्टीरिया। करें सी चैप्टर नंबर 5 टू नो द व्हाट एन एसिड इज। एसिड क्या होता है ये आपको इसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में आप इसके बारे में जानेंगे। जनरली एसिड क्या होता है, जिसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है ना। एसिड मींस क्या होता है, इनका टेस्ट खट्टा होता है। कुछ एसिड हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ एसिड हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है? यस सर, यस सर, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में जानेंगे, ठीक है? इसको छोड़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और धीरे धीरे जो एसिड जो होता है, जो बैक्टीरिया के ने सुगर्स को ब्रेक डाउन करके जो एसिड फॉर्म किया था, इन एसिड के कारण क्या होते हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? यस सर, बेटा जो एसिड क्या करते हैं, हमारे टीथ को डैमेज करते रहते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे दांतों को ये नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। और इसी को टूथ डीके मीन्स दंत क्षय बोलते हैं, ठीक है? टूथ डीके मीन्स दंत क्षय, डीके मीन्स क्षय होता है, टूथ मीन्स दांत बोलते हैं। ओके, यस सर, टूथ डीके के बारे में जाना। जब क्या करते हैं, जो हमारे माउथ में हार्मफुल बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, वो हमारे फूड्स के जो सुगर्स होते हैं उनको एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको ब्रेक करके एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और यही एसिड हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं धीरे धीरे, जिसे हम टूथ डीके कहते हैं। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. If it is not treated in time, it causes severe toothaches and extreme cases result in tooth loss. बेटा इस प्रकार के दांत के जो भी सड़न को या किसी प्रकार के क्षय को अगर टाइम के रहते हुए हमने इसका इलाज नहीं किया या करवाया तो ये क्या करते हैं टूथहेड्स यानी दांत के तमाम सारी प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं और एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस और अधिकतर दशाओं में ये पाया गया है कि ये टूथ डिके हमारे दांतों के गिरने के कारण भी हो जाते हैं यही तो दांत की सड़न या गलन सॉरी सड़न या जो बैक्टीरिया का अटैक होता है हमारे दांतों पे ये हमारे दांतों के गिरने का या निकलवाने का कारण भी होते हैं है ना होता है कि नहीं होता है डॉक्टर्स क्या yes, जब दांत yes, होती है लगातार वो सड़न भरी रहती है ठीक है दांतों में दर्द बना रहता है हम उसके कारण कुछ खा पी नहीं पाते तो हमें वो दांत निकलवाने पड़ते हैं या गिर जाते हैं हमारे ठीक है मेन कारण जो हम स्वीट्स लेते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हमारे दांतों पे पड़ता है स्वीट्स के क्योंकि बिकॉज हम जानते हैं स्वीट्स मींस सुगर्स मोर देन 90% सुगर्स कंटेन करता है कोई भी स्वीट्स है ना सुगर्स ही तो कंटेन करते हैं मेनली क्या कंटेन करता है जो सुगर्स का क्या होता है सुगर ही तो होता है जो बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है दैट कॉजेस टूथ डीके जो टूथ डीके का कारण होते हैं ठीक है अब बात आती है इनमें चॉकलेट्स स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर सुगर्स प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके ठीक है बेटा स्वीट्स की नेम बता रहे हैं तो बहुत सारे स्वीट्स होते हैं जिनको आप खाते हैं या जिनका यूज करते हैं जो आपके टूथ डीके के कारण होते हैं जैसे इन्होंने बताया बहुत अत्यधिक चॉकलेट खाना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है हमारे दांतों के लिए बच्चे बहुत चॉकलेट खाते हैं उनके दांत गिर जाते हैं ना स्टार्टिंग में सड़ने लगते हैं मिठाइयाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी किसी प्रकार के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हो उनका भी कम से कम यूज करना चाहिए सब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं ओनली नॉट फॉर टूथ दांतों के लिए ही नहीं टीथ के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के लिए बहुत तरीकों से हार्मफुल होते हैं ये सब कुछ है ना ओवर वेटेड आप जानते हो एक्सेस सुगर हो जाने पे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है ना अगर सुगर की अधिकता हो जाए किसी भी कंपोनेंट की अधिकता हो जाती है कमी होने पे तो भी प्रॉब्लम होती है साथ साथ किसी भी कंपोनेंट के फूड के जो भी कंपोनेंट होते हैं उनकी अधिकता भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इस कारण हमें बहुत ही सेंसरली किसी चीज को खाना और पीना चाहिए ठीक है बिकॉज हम मॉडर्न टाइम है एक पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी डेली एक्टिविटीज है या जो भी हमारे फूड आइटम्स है उनको बहुत ही सेंसरली गेन करना चाहिए ठीक है चलिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं कह रहे हैं अदर सुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके ठीक है देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड व्हिच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स बेटा डेंटल फ्लॉस के बारे में बता रहे हैं क्या होता है ये स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिसके कारण क्या जिससे करें दांतों के बीच में फंसे किसी पार्टिकल्स को या किसी हार्मफुल पार्टिकल्स को निकालने के लिए जिसका यूज किया जाता है ठीक है डेंटल फ्लॉस बता रहा था मैं आप लोगों को डेंटल फ्लॉस बाकी आप लोग जानते हो कह रहे इसलिए हम सभी को किसी भी को भी अपने दांतों को ब्रश और दांतों से साफ रखना चाहिए तो आप सभी करते हैं ना आजकल तो इतना केयरलेस कोई नहीं है सभी लोग समझदार हैं अपने दांतों को साफ रखते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो केयरलेस हो जाते हैं इस मामले में छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे या सुबह किया था मतलब सॉरी कल ही तो किया था आज नहीं रहने देते हैं ठीक है बेटा इसमें इन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट इज कहां थे हम लोग यहाँ पे At least twice a day and
rinse the mouth after every meal. हमें क्या करना चाहिए? दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना चाहिए, सही है। रात में भी सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, दिन भर से खाते पीते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रह सकते हैं, ठीक है। हम सुबह तो ब्रश करते ही हैं, साथ साथ रात में भी ब्रश करना चाहिए, दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना चाहिए। और एक चीज, ब्रश को भी बड़ी जेंटली करना चाहिए। आप लोग कभी ऐसा हम लोगों ने देखा है, कुछ लोग ब्रश को बड़े टाइटली प्रेस करके उसको अपने दांतों पर चलाते हैं, ऐसा ब्रश करना भी आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे भी दांत आपके घिस सकते हैं, ठीक है। आपको बड़ी जेंटली उसको ब्रश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रगड़ रगड़ के कर किए जा रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, इन्होंने बताया क्या, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। और हमें प्रत्येक भोजन करने के बाद, यानी हम जब भी भोजन करते हैं उसके बाद हमें अपने मुंह को धुलना चाहिए, सही है, रिंस करना चाहिए। रिंस मींस पानी डालकर क्या बोलते हैं, वो गुलगुले करने चाहिए, है ना, पानी के। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। करें, also one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. Okay, बेटा, इसके अलावा हम सभी को किसी को भी गंदे उंगलियों को अपने हाथों में नहीं, सॉरी, मुख में नहीं डालना चाहिए, अपने मुंह में गंदी उंगलियों को नहीं डालना चाहिए। कभी कभी हम होता है ना, कुछ हाथ हमारे गंदे हैं तब भी हम दांत में डालकर उनको इधर उधर करते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा करें, एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, यानी किसी भी ऐसे पदार्थ को जो वॉश्ड ना हो। मीन्स कभी कभी हम होते हैं, हमारे घरों में फ्रूट्स वूट्स आते हैं, डायरेक्ट ईट करने लगते हैं, उसको धुलकर खाना चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर। ओके बेटा, The next point is, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, टूथ लीकेज के रीजंस क्या होते हैं और इनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इनको अपने माउथ यानी से सॉरी अपने टीथ को कैसे इनसे प्रोटेक्ट करें, ये आपने जाना है, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके बेटा, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी टॉक, ओके बेटा, सम यही तो पॉइंट आपको रीड करना ना है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, समटाइम्स यही करना है। यस सर, यस सर, यस बेटा, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी टॉक और लॉब व्हाइल ईटिंग यू मे कॉफ गेट हिकप्स सॉरी हिकप्स और चॉकिंग सेंसेशन, दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द वाइन पाइप। देखिए बेटा, आप कभी कभी होता है आप जल्दी जल्दी में खाते हैं या बात करते हुए खाते हैं कोई चीज, तो यू मे कफ, आपको खांसी आने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत जल्दी खुश होकर कुछ जल्दी जल्दी खा रहे हैं या बात कर रहे हैं आपस में, खांसी आने लगती है, गेट हिकअप्स यानी हिचकी आने लगती है, चॉकिंग सेंसेशन ऊपर नीचे सांसें होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द वाइन पाइप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जब वाइन पाइप में एंटर करते हैं, आप उस समय बातचीत कर रहे हैं या हंस रहे हैं, तो वहां से एयर पास आउट होने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, वाइन पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। द वाइन पाइप कैरीज, इंटरनेट आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? बेटा, इन्होंने कहा द वाइंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। जो वाइंड पाइप होता है वो क्या करता है, हमारे नॉस्ट्रिल से एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है ना, ये आप जानते हो, नॉस्ट्रिल से
जो एयर होता है वो हमारे लंग्स पहुंचता है. इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप. और ये क्या करता है, जो हमारे फूड पाइप से ही जुड़कर उसके साइड में लगकर ये जाता है, ये जो नॉस्ट्रिल से लंग्स तक वाइंड पाइप होता है, ये हमारे फूड पाइप के ही साथ चलकर जाता है. फूड पाइप और वाइंड पाइप दो अलग अलग पाइप्स होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप. बट इनसाइड द थ्रोट, करें गले के अंदर क्या होते हैं, एयर एंड फूड पाइप शेयर अ कॉमन पासेस. जब हमारी गले में इनकी एंट्री होती है, पाइप जाके यहाँ पे पहुंचते हैं गले में, तो ये एक साथ पास होते हैं, यानी इनकी पासिंग जो कॉमन पासेज होता है वो, सॉरी, इनका जो पासेज होता है वो कॉमन होता है, यानी एक साथ ये दोनों एक जगह पे जाके निकलते हैं. कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ये ओपन एक साथ होते हैं, कि जगह पे गले में जाकर एक साथ ही खुलते हैं. ठीक है, समझ रहे हो? यस सर. एक ही जगह पे होती है दोनों की. करेक्ट. रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप. But inside the throat, air and food share a common process. Then how is food prevented from entering the windpipe? Then फिर मैंने एक क्वेश्चन आस किया, तो ये windpipe में ही फूड, सॉरी, जो हम भोजन इंटेक करते हैं, जो भी फूड इंटेक करते हैं, windpipe में क्यों नहीं जाता है? करें, during the act of swallowing or flap-like valve closes the passages of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the wind pipe, we feel choked, get hiccups or coughs. बेटा इसमें क्या होता है, during the act of swallowing, जहां हम कुछ चीज swallowing means क्या होता है, निकलना होता है ना, क्यों बेटा? Yes sir. Swallowing means क्या होता है, निकलना होता है. A flap-like valve closes the passages of the windpipe. जब हम कुछ निकल रहे होते हैं तो उसमें flap-like means ऊपर नीचे होने वाले valves लगे होते हैं, जो कभी उसकी mouth की opening करते हैं, कभी उसको close कर देते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम कुछ करते हैं तो windpipe के जो passages होते हैं उनको ये valves क्या करते हैं, close कर देते हैं. जब भी हम कुछ intake कर रहे होते हैं, फूड पाइप के थ्रू जा रहा होता है, तो वाइंड पाइप के वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप. और जो फूड होता है उसको फूड पाइप की तरफ इशारा कर देते हैं या उसको निर्देशित करते हैं. कहने का मतलब उसको फूड पाइप में सेंड करने का काम करते हैं. वाल्व क्लोज होता है जिस कारण वो वाइंड पाइप में नहीं जाता है. ठीक है, इफ बाई चांस पार्टिकल्स एंटर द वाइंड पाइप, वी फील चॉक, गेट हिकअप्स और कफ. कभी कभार अगर ऐसा होता है कि कुछ भी फूड पार्टिकल्स वाइंड पाइप में एंटर कर जाते हैं, तो हम ऐसा फील करते हैं चॉक्ड, यानी कि सांस लेने में या खाने मतलब ऊपर नीचे होने लगती है हमारी सांसें, हिकअप्स में सिसकी या कफ, खांसी जैसे इत्यादि आने लगते हैं आपको, है ना? यस सर. यस सर. बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है, पॉइंट नंबर 5. नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर. हमने एक्टिविटी तो किया ही नहीं अभी, सॉरी. ये आपका एक्टिविटी, पोजिशन ऑफ टेस्ट वर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. ओके, ये आपको रीड करना आगे. इससे पहले हमने ये पॉइंट रीड किया था. ठीक है, पोजिशन ऑफ टेस्ट वर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. बेटा इन्होंने बताया एक्टिविटी 2.4 में जो गिवन है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ सुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गार्ड. बेटा इसमें सैंपल लेने हैं आपको, अलग अलग सैंपल्स लेने हैं. सुगर सॉल्यूशन मीन चीनी का घोल ले लीजिएगा, कॉमन साल्ट नमक का घोल ले लीजिएगा, लेमन जूस नींबू का जूस, जूस ऑफ क्रस्ट नीम यानी नीम की पत्तियों के जूस ले सकते हैं, तो आप बिटर गार्ड. ये करेले की रस की बात कर रहे हैं. ठीक है,
बेटा इन्होंने कहा है ब्लेम सॉरी ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन. ओके ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन यूज अ क्लीन टूथ पिक to put the above samples one by one on the different areas of tongues as shown in figure. Okay. यहाँ पे करना as shown in figure. कहाँ गया? Okay. And sorry, use a new toothpick for each sample. ठीक है? आपको क्या करना है आपने किसी एक फ्रेंड को हिम और हर कोई भी हो सकता है ब्लाइंड फोल्ड मींस होता है उसको बिना देखे आप आंखें बंद करने के लिए बोलिए सॉरी ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स बिना मतलब ऐसे ही बिना किसी को बताए क्या है कुछ नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं देना है जो आपने सोल्यूशन दे रखे हैं कॉमन साल्ट शुगर सोल्यूशन इन सब के बारे में आपको जानकारी नहीं देना है उसको ऐसे बुलाकर आपको क्या करना है उसको उसके जीभ को बाहर निकालने के लिए बोलिए और स्ट्रेट करने के लिए बोलिए यानी सीधा जीभ वो बाहर निकाल के पूरा रखे अपना ठीक है yes, समझ रहे हो ना क्या करना है इसमें यस यस सर देन अगेन कह रहे हैं यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6 यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल और आपने जो जो सैंपल ले रखे हैं शुगर सॉल्यूशन उसके बाद लेमन जूस एंड बिटर गार्ड जूस और क्या लिखा है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन ये सब ले रखे हैं बेटा इन सबको उसकी टूथ सॉरी टंग पे वन बाय वन करके आप टूथपिक से टूथपिक मतलब एक पिन होता है ना जिससे दांतों को निकाला जाता है उस पिन से क्या करना है आपको उसके अलग अलग टंग के अलग अलग एरियाज पे इन सैंपल्स को पुट करना रहेगा समझ रहे हैं ना और आप अलग अलग सैंपल्स के लिए अलग अलग टूथपिक्स का यूज करेंगे बिकॉज मिक्स हो जाएगा ठीक है या आप उसको हर बार वॉश करेंगे देन उसको यूज करेंगे ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है बिकॉज इतना आपके पास पिंस नहीं होगा टूथपिक तो हम हर बार उसको वॉश करेंगे जब भी कोई सोल्यूशन उसके किसी भी एरिया पे पुट करते हैं उसको अगेन वॉश करके दम किसी दूसरे सोल्यूशन का यूज करेंगे ठीक है अब क्या होता है आज तक क्लास में कुछ एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट्स स्वीट साल्टी सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस अब अपने उस फ्रेंड को ये बताने के लिए कहिए कि उसके किस एरिया में उसको मीठा टेस्ट फील हुआ था और किस में सॉल्टी किस में सोर मीन्स खट्टा और किस में बिटर यानी कड़वा ये कहाँ कहाँ से फील हो रहे हैं किस एरिया से उसको टंग के कौन से रीजन में ये टेस्ट बड्स होते हैं जहाँ से बिटर साल्टी स्वीट्स और सोर ये टेस्ट आते हैं उस फ्रेंड से अपने आप मतलब आपके जो फ्रेंड है उनको बताने के लिए बताइए कहिए अकॉर्डिंग टू दिस नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन लेवल फिगर 2.6 ये ऐसा करने पर जो आप ऑब्जर्वेशन आपका आता है कौन से रीजन से यानी अगर यहाँ से आपका स्वीट्स ऐसा आप करके तभी जान सकते हो ना बेटा इस एक्टिविटी को आप करके आसानी से समझ सकते हैं कौन से रीजन से कौन सा टेस्ट बट उत्पाया जाता है यानी साल्टी स्वीट्स या सोर या बिटर टेस्ट बट मीन्स कहाँ से कौन सा टेस्ट आता है इसके लिए जानने के लिए हमें इस एक्टिविटी को करना चाहिए ठीक है यस सर रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स आप ऐसे ही अपने किसी दूसरे क्लासमेट्स के द्वारा इस एक्टिविटी को कीजिएगा ठीक है आप खुद से कीजिएगा आपके पास अभी तो क्लासमेट्स आपके साथ में ही है सब लोग इस एक्टिविटी को करके रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे आप राइट करेंगे ठीक है इन्होंने कहा था नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल फिगर 2.6 आपको क्या करना है इसको लेवल करना है यहाँ पे कौन सा टेस्ट बर्ड्स है यहाँ पे कौन से ये कौन से टेस्ट बर्ड्स हैं और ये वाले कौन से टेस्ट बर्ड्स हैं इनको शो करना है ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात यस सर यस सर
beta, next one is the food pipe or oesophagus. The food pipe or oesophagus means ahar nal. क्या होता है? आहार नाल. ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस कर ले रहे हैं. आपको इससे पहले टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग ये आपको डिस्कस किया गया, इसके बारे में आप एक्टिविटी के थ्रू और जानेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फूड पाइप और ऑसियोफागस. द सालोड फूड पाइप. ओके बेटा, द सालोड फूड, sorry, the swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. Look at 2.2 figure. The food pipe runs along the neck. ये इस figure की बात कर रहे हैं जो इन्होंने 2.2 की बात किया है. Where is figure number 2.2? Here. Figure number. Guys. इस फिगर की बात किया इन्होंने, जो आपका ऑसियोफागस होता है, ये आपका इंडिकेट किया गया ऑसियोफागस. ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी. बकल कैविटी के थ्रू ये आपका ऑसियोफागस, ये होता है आहार नाल. ठीक है, यहां से जॉइंट होता है बकल कैविटी के सलाइवरी ग्लैंड से, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड और बकल कैविटी, ये सब यानी इस कैविटी से टोटल ये ज्वाइंट होता है ऑसियोफागस. कैविटी में से एक गड्ढानुमा आकृति यानी टोटल होता है, जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, इस टोटल पोर्शन को, और इस बकल कैविटी से ये आपका ऑसियोफागस ज्वाइंट होता है. ठीक है, ओके बेटा. यस सर. यस सर. इसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे आफ्टर रीडिंग. ठीक है. यस सर. यस सर. यस सर. द फूड पाइप और ऑसियोफागस. The swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. आपको जो पता है, जो हम भोजन खाते हैं या निगलते हैं, मतलब खाने का मतलब वही है, निगलने से ही तात्पर्य ये है कि खाते जो है वो oesophagus के थ्रू पास होता है ना? Oesophagus से ही कर तो जाता है, means आहार नाल से होकर ही तो हमारा भोजन पास आउट होता है, पास आउट नहीं, पासेस करता है. ठीक है. Yes. The food pipe runs along the neck. और ये फूड पाइप जो होते हैं हमारी गर्दन से जुड़कर, ठीक है, उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं. आपको दिखाया गया इसमें पहली वांट टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग ओमिटिंग. ओ, ये पहली जानना चाहती है कि जहां में ओमिटिंग की मतलब कंडीशंस होती है कभी, तो ये फूड जो है नीचे जाने के बजाय ऊपर बाहर क्यों जाता है, हमारे अंदर जाने की बजाय बाहर क्यों जाता है, इसके बारे में जानना चाहती हैं. तो ठीक है, इसको जानने के लिए हम आगे रीड करते हैं. बेटा इन्होंने बताया फूड, ये आपका फूड इंटर करते हैं, देन मतलब इंटेक करते हैं, जो फूड वो ऑसियोफागस से होता हुआ हमारे स्टमक में यहाँ इंटर करता है और यहाँ डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है, आफ्टर द डाइजेशन जो वेस्ट होता है वो हम एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द एनस. और नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसमें एक चीज ये पॉइंट छूट गया था क्या, पॉइंट नंबर 4 आफ्टर पॉइंट नंबर 3, ये कहां से आ गया? यही तो रीड करना है ना हमें. द स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑसियोफागस. लुक एट 2.2. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. ये होगा. ठीक है बेटा. फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप. करें ये क्या होता है, पहले रन करता है फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक. नेक से होते हुए कहां तक जाता है? चेस्ट तक जाता है. ठीक है, फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप. और ये भोजन नीचे की तरफ कैसे पासस करता रहता है, अंदर कैसे जाता रहता है, जो उसके वाल्स होते हैं फूड पाइप के, वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, और उस मूवमेंट के कारण नीचे धीरे धीरे भोजन क्या होता है, नीचे पास आउट होता रहता है. ठीक है, पास करता रहता है. जो हमारा इनटेक फूड होता है वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, बिकॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप. ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल
एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. ये एलिमेंट्री कैनल्स होते हैं, हाँ नाल वही होता है, ठीक है. इनके मूवमेंट के कारण ये क्या होता है, नीचे की तरफ पुशेस होता रहता है, नहीं जाता रहता है भोजन. At times the food is not accepted by our stomach. It's omitted out. कभी कभार ऐसा भी होता है जो फूड हमने इंटेक किया वो हमारे स्टमक द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता, यानी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो वो फूड क्या होता है, ओमेटेड होता है, यानी बाहर की तरफ वापस आ जाता है, ठीक है. उल्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. Yes, sir. Recall the instances when you omitting after eating and think of the reason for it. कभी कभी आप कभी ध्यान दीजिए कि कभी जब आपको ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपको omitting की conditions आपके साथ रही हो, करें think of the reason for it. उसके लिए क्या करते, आपने कभी भी ऐसा condition आया omitting हुई है तो उसके पीछे एक एक आपने जो भोजन intake किया था वो तो digest नहीं हो पा रहा था, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, आप पचा नहीं पा रहे थे उसको, है ना. जो भी कुछ आपने खाया पिया था वो आपके द्वारा यानी आपके स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो ऐसी स्थिति बनी रहती है कि हमारा मन अस्त व्यस्त होता है उस समय, तो हम वोमिटिंग कर जाते हैं, ठीक है. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. ठीक है. यस सर. यस. Now next point is stomach. The stomach means क्या होता है बेटा, अमाशय. Stomach means क्या होता है, अमाशय. इसकी बात करते हैं. Yes. ये बेटा food factory होता है. Stomach जो होता है क्या होता है, it is called food factory. इसे food factory भी बोलते हैं.